वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर बैंड थ्योरी पार्ट टू. ऑलरेडी इन अवर वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट, वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन बाय द एग्जांपल और ये कैसे इन बैंड्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना. अब इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एनर्जी बैंड्स क्या हैं. सी, दीज आर द एनर्जी बैंड्स. इन एनर्जी बीच, एनर्जी बैंड्स के बीच की जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप. कहीं कहीं पर कहते हैं फॉरबिडन जोन, कहीं पर इसी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. अब देखिए, जैसा हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, सी, बिकॉज इन 2p उसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो कम्प्लीटली एम्प्टी हैं, तो हमको जो एनर्जी बैंड मिलेगा वो हाफ फिल्ड होगा. इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें हमारा एक एनर्जी बैंड टोटल इनकम्प्लीट एम्प्टी होता है. तो अब देखिए, दिस इज़ आल्सो अवर कंडक्शन बैंड, दिस इज़ आल्सो अवर कंडक्शन बैंड एंड दिस आर फुल्ली फिल्ड कंडक्शन बैंड्स. अब इंसुलेटर्स और हमारे कंडक्टर्स में कैसे काम होता है इनका देखिए. If we are talking for this insulator, insulator की यदि हम बात करें तो insulator में बेटा क्या होगा, ये जो हमारा energy gap है, देखिए अब these are our energy bands and this is our conduction band. नाउ सी हियर, इंसुलेटर में बेटा क्या होता है, पहले तो ये समझिए इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है. इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं किसी भी सॉलिड में तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स गेन सम एनर्जी. जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने में से कुछ एनर्जी को गेन करते हैं, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी जब गेन करेंगे एंड दे विल गम गो टू द हायर एनर्जी लेवल. यदि ये इस फॉरबिडन एनर्जी लेवल को क्रॉस कर जाते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं तब ये बन जाते हैं हमारे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स. पर इंसुलेटर में बेटा क्या होता है, दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी हाई, दिस गैप इज़ वेरी हाई, फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कांट जम्प फ्रॉम दिस बैंड्स टू द कंडक्शन बैंड. इसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता, दे कांट रीच दिस. दूसरी चीज, एट देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ इफ यू टॉक फॉर इफ नाउ इफ वी टॉक फॉर सी, दिस इज़ वन एनर्जी बैंड, दिस इज़ वन एनर्जी बैंड, बट दे आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट दे ओवरलैप. सी, दिस इज़ द ओवरलैपिंग, दिस इज अवर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी बैंड्स. इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं they excite from one place to another, therefore they are very good conductors. Now what is here,
no forbidden gap. Second point, large number of free electrons are there. Large number of free electrons are there, which are, because there is no gap, they are free to move from one band to another band, and the energy gap is zero, and large number of free electrons are there. Now if we talk for semiconductors, semiconductors means, सेमीकंडक्टर मींस कि जो हमारे एनर्जी बैंड्स हैं. नाउ सी हियर, yeah, now see, this is our forbidden gap. This forbidden gap is so small that electrons from this conduction valence band, they can easily go to conduction band. Some go and some do not go. Therefore we say that it acts in between insulator and semiconductors. Now what semiconductors? The forbidden energy gap is narrow up to 1 electron volt. And the electrons are, some electrons can go to conduction band and some are not able to jump to conduction band. Therefore, only less amount of energy is conducted from one band to another. Therefore, this is our semiconductor band where the forbidden energy gap is little low. That is 1 electron volt. और इसमें कोई फॉरबिडन गैप नहीं है. एंड हेयर द फॉरबिडन गैप इज़ वेरी हाई, अब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, फॉरबिडन एनर्जी गैप या जो दो एनर्जी बैंड्स के बीच का जो गैप है उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1 इलेक्ट्रॉन से कम है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो वो हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर. मींस कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैन गो टू कंडक्शन बैंड एंड सम विल नॉट गो. कंडक्टर्स में देयर इज नो गैप, देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन द एनर्जी बैंड्स और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वेयर एज इन इंसुलेटर एनर्जी गैप इज सो हाई that no electrons can jump from this valence band to the conduction band. So I hope you have understood it well. This, thank you for watching it.